ये थर्ड टाइम लाइफ इंटरप्ट हुआ है। एक्चुअली बात तूफान तूफान जोरों से है, इस वजह से बार बार लाइट और वाईफाई इंटरप्ट हो रहा है। सो स्टिल वी आर बैक अगेन, क्योंकि हमारी बात ही अधूरी रह गई थी। हाय ऋतिक भगवत, हाय शुभम सुसांग, हेलो मिस्टर परफेक्ट। तो कामो नाचे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? यहाँ तो मस्त वाली तूफान चल रही है, उधर बताओ उधर का क्या हाल खबर है। हेलो मिस्टर दीपक राजा, हमारा लाइव इंटरप्ट होगा 8 बजे से लेके अभी 9:30 बजी है, अभी अपन रिकनेक्टिंग हो रहे हैं। तो कैसे हो आप सभी ये बताओ। एंड क्या हाल खबर है आप सबों का। हेलो मिस्टर दीपक परफेक्ट, कहाँ से हो आप सभी? हाय शुभम, हाय शाइन। ओके, विराटनगर का अभी कैसा वेदर है? कितने लोग कनेक्टेड? हेलो मिस्टर दीपक, हाय मिस पायल जायसवाल, कैसे हैं? एंड वेदर कैसा है उधर का, आ रहे हो क्या मुझे? मेरी वो फिर तो मेरे बाबू जी ठीक हूँ। पाए लागू। हेलो अनुष्का के जी, आप कैसे हैं आप सभी? हेलो जेड्राज, मेरे डैड भी मेरे को लाइव में ज्वाइन करे हैं। अब मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या बात करूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं जयराट आप? क्या हाल खबर है आप लोगों का? एंड होली का क्या प्लान है आप सबों का? आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि होली बेस्ट मेमोरीज, तो आप सबों को बताना है कि होली से रिलेटेड सबसे बेस्ट मेमोरीज क्या है आप सबों का, एंड जिनका सबसे बेहतरीन होगा उनका 1 डे कैंपिंग फ्री होगा। थैंक यू जय जेट्राज। एंड कहाँ से हो आप राज? एंड क्या हाल खबर है? हेलो मिस्टर शानू, हेलो रिचर्डसन, वेलकम बैक। कहाँ से हो आप जडराज? एंड होली का क्या प्लान है आप सबों का? एंड उधर का वेदर कैसा है फॉरबिसंस? तो होली में हमारे पीजी पधारिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होली में हमारे एपीजी हमारा भी है जयराज, हमें अलग मत करो। ऐसा लग रहा है घर में ही घर वाले को बुलाया जा रहा है। मैं थोड़ा घर से दूर आया हूँ, इसका मतलब परिवार से बेदखल ना करें हमें। क्या प्लान है होली का, क्या प्लान है आप सबों का? लास्ट हो मस्ती है टी सीरीज वाले दिन, मस्त है टी सीरीज वाला दिन आए हैं। मैं समझा नहीं जरा,
हेलो मिस्टर आदित्य, होली का क्या प्लान है आप सबों का? एंड ये बता, हाँ प्रतीक, लाइव इंटरप्ट हो गया तेरे को, आई एम एडिंग यू बैक। यहाँ पे तूफान चल रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा कभी लाइट वाईफाई का डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कुछ कुछ। लेट मी एड यू अगेन। मिस्टेक टी शर्ट वेदर वाले, ओके ओके ओके। इधर तो अभी भी मस्त वाली ठंडी है, अभी देख रहे हो, स्वेटर पहना हूँ ऊपर से फिर जैकेट लगाया हुआ हूँ। एंड अभी बाहर में अब जोरों से हवा चल रही है, हल्का हल्का, 3 4 दिन से हर एक दिन छोड़ के एक दिन तूफान आ जा रहा है। आई एम लुकिंग फॉर विनर टूडे, एफ बी जी में आइए अगेन, ऐसा बोल। ओके ओके, मैं समझ गया। एफ बी जी में इस बार देखो, प्रोबेबली वृंदावन में हमारा कुछ मीटिंग्स वगैरह है, एंड का प्लान है। अब देख क्या होता, अगर उधर नहीं गया तो फॉरबिसन में तो अपन श्योर आएंगे। एंड मैं इस बीच आ रहा हूँ फॉरबिसन में, प्रोबेबली 28 या 1 को आऊंगा। मैं आने से पहले बता दूंगा एक छोटा, आप सबों से एक दिन का सोच रहा हूँ, एक दिन का मीटअप रखेंगे फॉरबिसन में। हाय आदित्य, हाय मिस्टर अंश पटेल। आदित्य कैसा चल रहा है फेयरवेल का प्रिपरेशन? और आप लोगों का इस बार का होली का क्या क्या प्लान है? और आज का हमारा टॉपिक भी है कि होली बेस्ट, होली से रिलेटेड बेस्ट मेमोरीज बताना आपको। हाय मनीषा, कम होना से। तो आप सबों को वो बताना है कि होली से रिलेटेड कोई बेस्ट मेमोरीज है तो वो बताना है, एंड यू कैन विन 1 डे फ्री कैंपिंग। और साथ साथ में ये भी बता सकती हूँ कि इस बार की होली का क्या प्लान है आप सबों का। हेलो मिस्टर तोहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? अपना लाइव 8 बजे से हो रहा है, 8 से 1.5 घंटे हो गए हैं, ये बार बार इंटरप्ट हो रहा है, एंड बार बार भी अपन रिकनेक्ट। सुरिन उस टाइम पर कट हो गया था, पता नहीं क्यों। अभी भी मैं एक एक कर रहा हूँ, एक नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से करो। प्रतीक उधर से, हेलो मिशांशल, मिशा, हर हर महादेव, कैसी हैं? वेलकम बैक। थैंक यू थैंक यू। अरे कहीं पता नहीं क्यों कट हो गया सडनली। अरे इधर तूफान 2 3 दिन से बहुत तूफान चल रहा है इधर हर दिन, तो अभी बाहर में बहुत ही ज्यादा, तो कभी वाईफाई चला जा रहा है, कभी इंटरनेट चला जा रहा अरे आप तो जन्नत में रहते हो। है। हाँ जन्नत तो है, नो डाउट। और खास करके यहाँ का वेदर इतना, ये एक फन फैक्ट बताऊं, ये एशिया का इकलौता जगह है जहाँ पे सबसे रैपिडली वेदर चेंज होता है। अगर अभी तुम्हें धूप अच्छा है तो आने वाले 15 मिनट में तुम गैस नहीं कर पाओगे कि धूप ही रहेगा। अभी धूप है, फिर 15 मिनट में बारिश होने लगेगा, बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है। अच्छा है ना, कम से कम बोरिंग नहीं होगा आप कहीं, मतलब बोरिंग नहीं होगा उस जगह पे। नहीं बोरिंग तो नहीं, मतलब कितना भी स्ट्रेस पे रहो, आराम से जाके बैठो, वो नेचर ही सारा हील कर देता है। हाँ सही है तुम आओ, सही है। तुम्हारे लिए इधर प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा, आराम से कोना पकड़ अरे के। अरे
अभी नेचर भी तुम्हें मैं सपोर्ट। भैया सीरियसली मेरे को ना पता है, मैंने जो आपको पोस्ट देखता हूँ ना, मेरे को जाना है वहां पे। मतलब वो ना एक्साइटेड करता है मेरे को बार बार, चलो चलो चलो, दुकान को लेके जा ही नहीं पा रहा मैं। कोई अपने किसी को कट गया फिर। आ रही है आवाज, दिख रही हो तो आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ अब आ रही है। अब हाँ नहीं, इसमें थोड़ा वो कट हो गया था अभी। क्या ठीक है, मैं बोल। हाँ आप ठीक है। बोला अपना किस चीज का शॉप है। मेरा तो जनरल स्टोर टाइप का है। हाँ ओके ओके। ये मार्च अप्रैल में उस टाइम प्लान बनाओ जब उधर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है ना, 30-35 के अप्रोक्स होगा, तो यहाँ पे 10-15 रहता है। अच्छा, मतलब वहां पे क्या मतलब स्नोफॉल होता है या फिर मतलब ऐसे मतलब। स्नोफॉल का टाइम तो चला गया, जनवरी फरवरी में होता है स्नो। स्नोफॉल देखने का चक्कर देख भी नहीं पाया मैं। अच्छा हाँ, तुम्हारा टूर वगैरह देख। हाँ इस बार बस। मैंने कमेंट्स भी कर रहा था, सबसे पहले तो एक वहां पे सोलो परफॉर्म करने के लिए गट चाहिए। नहीं कर लिया मैंने बस। नहीं वो मैं उस पर कमेंट्स भी कर रहा था, वो बहुत तुम्हारे कुछ चाहने वाले आए हैं, वो तुमसे सॉन्ग का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे अभी भैया से बात करने दो भाई। नहीं, सुनाओ सुनाओ, वो तभी भी लाइव में आए हुए थे तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ सुनाओ प्रत्येक। आप लोग बताओ क्या सुनोगे, मतलब कौन सा गाना सुनोगे बताओ। कोई गाओ तुम्हें, तुम्हारा जो एवरग्रीन फेवरेट है। अभी सब मेरा फेवरेट बन ही जाता है, सब फेवरेट बन जाता है अभी। मतलब केसरिया ये शरद केसरिया तो आते हैं। कहानी कहानी सुनो, सुने हो हाँ, वही ओके। सब अल्टीमेट सॉन्ग, अगर वो अगर ये लिरिक्स याद है तो वो सुनाओ। लिरिक्स तो याद है बट मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें अपना बनाए। आप लोग साथ में गाओ ना, मेरे को थोड़ा सा वो, मैं मतलब अरे कोई नहीं, किसी लगा हम गाएंगे तो सारे भाग जाएंगे यहां से। अच्छा क्या था गाना का देख। तुम्हें जो याद है वही गाओ। हाँ मेरे को याद है मतलब, लेकिन भूल रहा हूँ। तेरे हवाले गाना गाओ। करके। ओके ओके, ओके गिटार है पास में तो गिटार ले लो। गिटार है ही, बेड पे ही रखा हुआ मैंने। ये रहा। तो इस गिटार ले लो, अच्छा लगेगा। हाँ करके 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा किसी चीज से। लोके भी करीब तू हमें पास था के 100 जन्म देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सा मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिसमें तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। कैसा था? सुपर थैंक यू सो देखो, मच। दिल पे दिल आ रहे हैं। अरे राहुल भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे प्रतीक सर मत बोलिए भैया, भैया है आप। अच्छा मैं सीपी के बारे में बता रहा था, टूर कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे गए थे आप।
आइस ब्रेकर। फिर कैची कैची डांस, आवाज आ रही है? हाँ आवाज ब्रेक हो गया बीच बीच में। हाँ, वो मतलब पहले कैची दाम गया था मैं, वो मैंने सोशल साइट पे बहुत सारा न्यूज देखा था उनके बारे में, स्टेज ओके जो मांग था, तो फिर उसके बाद में फिर जागेश्वर धाम निकल गया, फिर वहां से नैनीताल आ गया था, फिर नैनीताल से दिल्ली, दिल्ली से फिर जयपुर, जयपुर से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर आगरा, और फिर लखनऊ से फिर दिल्ली, और दिल्ली से सीधा घर। मतलब इस बार हो गया ट्रिप अच्छा सो खासा बॉस मेरा। मैन कितने दिन का ट्रिप था? 16 दिन लग गया मेरे को, 15 16 दिन लग गया। क्या सोलो ट्रिप था ना? हाँ, 16 था फर्स्ट टाइम। तो मतलब सारा बाइक से ट्रेवल करे सारा जगह राजस्थान कैसी वगैरह सारा? नहीं, नैनीताल से बस जो उत्तराखंड का जो एरिया था उसको मैंने बाइक से कवर करा था, बाकी सब ऐसे मतलब ट्रेन से गया था। कैची धाम गया था बाइक से, और नैनीताल भी बाइक से ही था, बाकी सब जगह ट्रेन लेकर गया, मतलब वहां से पॉसिबल नहीं है बिहार से फिर दिल्ली गाड़ी लेके जाना, बहुत दिन हो जाएगा फिर तो। वही तो। फिर दिल्ली से फिर तुम बताए राजस्थान गए, फिर इधर तो फिर राजस्थान तो यहाँ से मतलब दिल्ली से राजस्थान तो फ्लाइट ले लिया था मैंने, और एक आधे घंटे 45 मिनट के अंदर जयपुर पहुंच गया था, फिर उस दिन वहां 2 दिन रहा वहां पे, राजस्थान में फिर कहाँ वहां से पे गए फिर थे? दिल्ली वापस आ गया। जयपुर में गया था, जयपुर में जयपुर में नेहरगढ़ कहाँ फोर्ट पे? गया था, और जयपुर में नेहरगढ़ फोर्ट था और पत्रिका गेट है, 3 4 जगह था नाम, मैंने वो ब्लॉग डाला हुआ है उसका, यूट्यूब पे डाला हूँ धीरे धीरे अच्छा करके, 1 1 मिनट का शॉर्ट्स। नहीं डालो से नाहरगढ़ फोर्ट बढ़िया है वहां का वो। एंड बहुत हवा बहुत हवा महल गए थे कि नहीं, जंतर मंतर वगैरह? हवा महल गया था, और जल महल, और जल महल जिस दिन गया था उस दिन वहां पे ना जयपुर फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे कल्चरल फेस्टिवल था, बहुत जो वाह बोलते हैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन जल महल का जैसा मैं तारीफ सुना था ना, मैं 2 3 बार गया हूँ, जैसे एक्सपेक्टेशन था अभी का पता नहीं, 2 साल पहले का नहीं है अभी भी वही है या अपग्रेड हुआ है? वो कल्चरल फेस्टिवल जहाँ पे हो रहा था ना, वो जल महल के सामने ही हो रहा था, लेकिन जो उसके कारण जल महल अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर अब स्पेसिफिक मतलब अगर आप जल महल के बारे में पूछोगे तो जल महल उतना मेरे को खास नहीं कुछ लगा, है नहीं। सीरियसली। हाँ जैसे मैं भी गया था पहली बार, हम बोले इसमें देखने लायक है क्या? मतलब कुछ तो और ना स्पेशल पता है भैया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ताजमहल था। का भी सेम किसान है। मतलब बहुत मतलब वो हो गया नहीं मेरा, पानी पैसा बर्बाद ताजमहल कर तो थोड़ा बहुत है, जैसे वो पीछे जहां पे नदी है ना उसके पीछे से देखो तो फ्रूटफुल है, तब लगता है कि नहीं तब ताजमहल सही है, वहां से व्यूज वगैरह सही है। एक तो दिया। फ्रंट का हो गया जहां से तुम्हें पूरे रो वाला जिसका जो इमेज सबसे ज्यादा वायरल होता है, एक हाँ, पीछे के साइड से जहां पे नदी है, नदी के नदी जो साइड। पीछे बैठा वो हाँ सब चीज तो वो ना दो पहाड़ तीन पे, आप जैसे पहाड़ पे देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, वो सब वहां पे भी, अब पूरा यमुना नदी आप देखो ना पूरा गंदा हो गया है पीछे से, बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, मतलब तो अच्छा हुआ तुम दिल्ली वाला यमुना नदी नहीं देखे हो तुम। देखा गया। नाला है वो। ओ भाई साहब उसका तो अलग। हम लोग का एक बार कैंपेन चला था यमुना क्लीननेस का, वहां पे हम लोग का था गो ग्रीन आप तो। हाँ दिमाग करने निकलते थे तो एक बार हम लोग निकले थे लगभग 25 के ग्रुप में, गो ग्रीन कैंप था हम लोग यमुना को साफ करने के लिए। उसमें जितने लोग हम लोग 25 लोग थे, 4 दिन के बाद 25 में से 12 लोग बीमार पड़ गए। तेरी छठ छठ में तो और फोटो वायरल होता है उसका। उसका हालत बहुत बुरा है। अच्छा सीपी का बर्बाद कर एक्सपीरियंस शेयर दिया करो, जब तुम वहां पे यू वेर परफॉर्मिंग सो वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मैं देखा था, तो उस समय व्हाट वाज योर रिएक्शन? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, बट लेकिन जब फर्स्ट टाइम वहां पे गया था मैं तो अप्रोक्स 6:30 और 7 7 AM में था, मतलब 7 PM में था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पुलिस वाले ने मेरे को रोक दिया, तो मैंने बोला कि सर क्या हो गया, पहले तो परफॉर्मेंस करते ही थे, वरुण डागर को आप जानते होगे शायद,
जो हाँ डांस करता। हाँ डांस मैंने उसका करते उनका हैं। एग्जांपल, हाँ तो उनका एग्जांपल लिया। मैंने बोला सर वो भी तो परफॉर्मेंस करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी दिल्ली 8 बजे से पहले एनडीएमसी वाले के कंट्रोल में होता है, तो अगर आप परफॉर्मेंस करोगे तो हम लोग आपको आपके समीन सामान के साथ आपको लेके चले जाएंगे। मैं डर गया, मैंने बोला रहने दो भाई। फिर अगले दिन गया मैं, तो मेरे को फिर भाई वरुण सागर मिले, डांस कर रहे थे वहां पे सीपी में। तो फिर एक एसआई थे वहां के, एसआई नहीं थे हम, मतलब दो स्टार था उनके वहां पे सोल्डर पे। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा सर वो परफॉर्मेंस कर रहे, बट मेरे को कल आया था परफॉर्मेंस करने मिला नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो 8 बजे के बाद में ऐसा ऐसा होता है, तुम 8 बजे के बाद परफॉर्मेंस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर अगले दिन मैंने अपने फ्रेंड को साथ में लेकर के गया था, तो उसने वीडियो वीडियो मतलब उसने ही बनाया था वहां का। तो जब वहां पे गया तो फिर परफॉर्मेंस करा, एंड सडनली जो मतलब गाना गा रहे थे ना, तो चारों तरफ मतलब लोग सब आ गए थे। तो कुछ कुछ वीडियो में हर चीज वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया है, वो जो मोमेंट था ना, मतलब वो बस मैं और जो मेरा फ्रेंड था हमें दोनों ने देखा था जो मोमेंट वहां पे बना था ना। बट कुछ कुछ पॉइंट पे वीडियो, जब वो कैमरा जब एंगल इधर हो रहा है ना बैंड, तो दिखता है कि लोग सब हैं, लेकिन जब जब दो ही बार दिखा है पूरे वीडियो में, जो तब दिखा है जब लोग थोड़े कम हो गए थे। मतलब एक बार तो मतलब ऐसा हो गया था ना पूरा राउंड सामने से। मैंने बोला कि भाई साहब, उसको मैंने बोला भाई देखो वीडियो बनाता तो पब्लिक का रिएक्शन, सिर्फ मेरा वीडियो बना रहा है, मैंने बोला पब्लिक का रिएक्शन दिखाना था भाई। चलो कोई नहीं, हो गया, टाइम था नहीं, नहीं मेरे को फिर आना भी था जो घर मैं से कॉल देख, आने। नहीं फिर भी परफॉर्म बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं देख को बोला है, ये तो अपने का सीन लग रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब इतना तो घट है कि उतना सीपी में परफॉर्म कर रहा है, वो भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। थैंक यू भैया, बस मतलब और वहां पे क्या एक बोले, बोलो। हो गया बस। वो ना बोलते हैं ना, हम एक्चुअली में गिटार लेके गए थे, परफॉर्मेंस करना है मेरे को, चाहे कुछ हो जाएगा देखा जाएगा मतलब। लेकिन जब पहला दिन जो पुलिस वालों ने रोक दिया ना, तो फिर थोड़ा सा वो डाउट हो गया कि यार होगा कि नहीं होगा। बोलते हैं ना बकेट लिस्ट में था एक, वहां परफॉर्मेंस करना है, वो हो गया मेरा। और वो बकेट लिस्ट बहुत बढ़िया से पूरा हुआ। हाँ ये भी है, अब तो कभी हेलो भी रोम करेंगे तो सर, अब कॉम्पिटेंस का कर लेंगे, हो जाएगा। रोम सर मैम ज्वाइन करी। हेलो रोम सर मैम, हेलो प्रतीक, हेलो सौरव, रोमसा दीदी हाय, देख पूरे रही, सारे देख रही है सिंगर। शायद। अरे दीदी तो अपर लेवल की सिंगर है, बहुत अपर लेवल। ये प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल लेवल की है। हाँ दीदी तो अब बहुत अपर, मतलब आपका सॉन्ग कहाँ है? आप सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा है? आप होली में कुछ सॉन्ग रिलीज करो। लास्ट सॉन्ग तो नवंबर के आसपास आया था ना। मेरा दीदी का नहीं रोमसा मैम का। दीदी कुछ बोलिए, टिप्पणी कीजिए कुछ अपना। दीदी है नहीं है? हाँ है, तो मैं है लिप करूँ दीदी को, आप एक बार आप देखो शायद, नहीं पता नहीं। हेलो दीदी, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके न्यू सॉन्ग का। न्यू सॉन्ग कब आ रहा है? अच्छा ये बताओ प्रतीक, जब पहला दिन प्रॉब्लम हो गया, दूसरा दिन भी प्रॉब्लम हुआ, तीसरा दिन जो कितने देर का परफॉर्म हुआ था? रोक्स धोखा था मैंने, मतलब 1.5 से 2 घंटे हो गया था। बिल्कुल। तो जब वो पूरी भीड़ जमा हो रहा था उस समय क्या रिएक्शन था, जब इतने सारे वापस अनएक्सपेक्टेड क्राउड गैदर हो रहा था? नहीं, एक एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट मेरे लिए हो गया सडनली। ये चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को, मतलब मैंने वहां पे जैसे मेरे को मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि आगे में कुछ रख दो, ठीक है, मतलब टोपी वोपी कुछ रख दो, कुछ पैसा पड़ेगा, ठीक कुछ फंड है, कलेक्ट हो जाएंगे तो मतलब कुछ आइडिया पार्टी वार्टी सही कर लो। था। हाँ तो मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, मतलब एक तो ऐसे गा रहे, लोगों का टाइम ले रहे, ऊपर से पैसे भी लेंगे क्या, तो मैंने नहीं रखा। तुमने मिस कर दिया यार। कम से कम उस दिन का दो बियर का कोष तो आराम से निकल जाता। सेम चीज उसने यही बोला था भैया। अच्छा दो बियर तो होगा भाई कम से कम, है ना। तो हुआ था ये चीज,
कि जब सब गिटार पैक कर लिया मैंने, तो एक भैया थे वो वीडियो में आए भी थे, बट वो मतलब नहीं कर पाया वो, क्योंकि ना थोड़ा सा ड्रिंक किए हुए थे। तो उन्होंने बुलाया मेरे को अपने पास में, और ओके फिर उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छा गाते ये वो बोलने के बाद में, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे उसमें पैसे रखे थे कुछ, ठीक है, मैंने चेक भी नहीं करा ले सकता है मैं ये, मेरे को अच्छा है। उन्होंने बोला फैमिली के कंडीशन का है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुम भी कुछ करो ऐसा। मतलब मैंने उसको आज मतलब उस दिन से पहले मैंने कभी नहीं देखा था उसको, ना जानता भी नहीं था मैं तो। मैंने सडनली पूछे तो नाम भी नहीं पूछ पाया मैं उनसे दिल्ली में, क्योंकि रात भी बहुत हो चुका था। उन्होंने जब वहां मेट्रो पे बैठने के बाद मैंने चेक करा था, तो 100 रुपये थे मेरे, वो उन्होंने जो दिया था 100 रुपये थे मतलब पॉकेट के अंदर में। मैंने बोला कि मतलब अभी भी मेरे वाह पास है वो नोटबुक, मैंने पर्स के अंदर रखा हुआ है, मैंने उसको सोचा खर्च करूंगा चाहे कुछ हो जाए, इसको रखूंगा संभाल मतलब। ने उसको एक फ्रेम फ्रेम बना के फ्रेम, हाँ फ्रेम में करवा करके रख देना एज ए मेमोरीज। हाँ वही ना, मैंने उसने बोला कि भाई चलो बियर पिला दो यार, मैंने बोला कि भाई ये पैसा गाना हो पाएगा पिलाएंगे लेकिन इस पैसे ना पिलाएंगे मतलब वो बिल्कुल ना चलो। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, कि मतलब कोई आदमी पैसा दिया वो मैटर नहीं करता है, उसने जो मतलब जिस तरह से बोला था ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पैसा नहीं, वो एप्रिसिएशन था। तुम्हें याद है एक सोनू निगम जो एक सॉन्ग उन्होंने गाया था जो वायरल हुआ था, वो बेगर बन के जो एक गाना गाया था, हाँ तो एक बंदे ने उसे 11 रुपये ऐसे करके हाइड करके दिया था। हाँ तो देखा था दैट वाज मैंने। नॉट दैट वाज नॉट अमाउंट, दैट वाज अ एप्रिसिएशन कि मतलब तुम्हें कोई कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उनका तरीका होता है कि चलो, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी सिंगर या परफॉर्मर के लिए। हाँ वही ना, मेरे को अगर एक आदमी बिना रखे पैसे दे रहा है, तो भाई अगर टोपी रख देता तो कितना पैसा बढ़ जाता कम से कम तेरा टोपी नहीं का। ये उसने बोलता है, उसने बोला कि क्या बोलता है, मेरे को इतना सर लग रहा था ना, मतलब अब देख तो कहीं भी वीडियो वायरल हो जाता तो तुमको यही सब करने के लिए भेजा था, हो सकता है ऐसा बोल के, मतलब हाँ सपोर्ट भी हाँ ये बात है। हाँ तो अपने फॉर्मेशंस का, हाँ फॉर्मेशंस के बारे में नहीं कह सकते हैं, बाहर तो वही ना, इट वाज हाँ ओके नॉर्मल, लेकिन फॉर्मेशन में नॉर्मल थोड़ी सा होता है होता कि है बट चलो नहीं, लेकिन फॉर्मेशन भी अब अपग्रेड हो गया, ऐसे तो नहीं सोचते कि वहां पे गाना बजा रहा था। नेक्स्ट टाइम पैसा जाना तो आगे ट्राई करके जरूर करके, करना। मतलब मैं वहां से जब वो जो छोटा छोटा क्लिप था ना मैंने फेसबुक पे डाला था, तो कुछ बंदे लोग थे कि भाई भीख मांग रहा था क्या, वहां बोले थे मतलब कोई सीरियस नहीं था उस, लेकिन मतलब मजाक बोल रहे थे नहीं, भाई वो भीख मांग रहा था क्या वहां पे, तो मजे नहीं, ले वो रहे थे। हाँ वो सार्केस्टिक होगा। हाँ मतलब बहुत ऑब्वियस है बहुत। था मेरे लिए वो देखो चीज। तुम्हारा, हाँ जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो लीड था, और उतने सारे क्राउड थे जैसे तुम बता रहे हो, क्राउड तो नहीं दिखा फोटोज में, तो ऑब्वियस तो ये इस को बाहर लाओ और हमारे फॉर्मेशन का नाम रोशन करो तुम लोग, समझे? पूरे ग्रुप वगैरह बनाओ, एक बैंड वगैरह बनाओ, हम लोग हैं साथ में। ओके बिल्कुल भैया, आप लोग का बस साथ चाहिए, बस हो ही अरे जाएगा, साथ है मेरे यार, को पता है आप लोग तुम बहुत लोग सपोर्ट करते हो, मेरे को पता है वो चीज। ऐसे बोल आगे बढ़ो बस, इसको वो मतलब जो वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। पता है नेटवर्क का इशू है शायद, मेरा नेटवर्क का इशू है शायद। चलो जाने से पहले एक चीज, एक बात बताओ, तुम वन ऑफ द बेस्ट होली मेमोरीज बताओ तुम अपना प्रतीक, कोई एक होली का सबसे बेस्ट मेरा मेमोरीज बताओ। होली भैया मेरा होली का मेमोरीज यही है, मतलब हर साल वही होता है, सब लोग बाइक पे बैठ करके हो अल्लाह करते हुए नहीं फिर भी जाते हैं पूरा रास्ते एक जगह मिलते कोई सब लोग कोई एक एक इंसिडेंट तो कपड़ा होगा। पहनते हैं, हर साल वही होता है, नॉर्मल हो गया, जो मतलब आप मतलब जो दूसरों को वो स्पेशल लगेगा हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है, कपड़ा फाड़ना ही है कुछ ऐसा कुछ है नहीं अच्छा मतलब हाँ नॉर्मल ही है सब कुछ, मतलब ऐसा कोई एक्साइटेड नहीं हुआ कभी होली में।
बचपन में होता था, एक्साइटेड होता था पिचकारी के लिए, मतलब अब तो पिचकारी भी खरीदना बंद कर दिया, मतलब मिलता है बट कौन लेगा अब। अब तो रंग भी नहीं लगाते ना, इसलिए कहीं पिंपल्स ना निकल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पहले वैसा थोड़ी था लेकिन एक बात, जितना हम लोग बचपन मॉडर्न हो रहे हैं ना कहीं हर चीज खुशियों को ना मिस करते जा रहे हैं हम। में। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस था, अब कहीं ना कहीं वो गायब होते जा रहा है कि नहीं, एलर्जी है, फलाना है, ढकाना है। अब कोई अगला बंदा आकर के अभी लगा भी रहा है तो तुम कोई मार, अब तो अब अभी भी अगले लगाता है तो उस पर भी गुस्सा आ जाता है। वाला, तो मतलब जो एक बॉन्ड है वो बॉन्ड उस तरह का वाइब ही नहीं आता है। ये रोम है, मेरे को लगा चली गई। नहीं दीदी है अभी, दीदी है अभी। अरे अच्छा आप बता ही नहीं आपका नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है, और साथ साथ में ये भी बता देना कि आपका बेस्ट होली कौन सा रहा। एक चीज और बताना चाहूँ, आपने वो चमकी एक छोटा डब्बा में आता था, वो 5 रुपया 10 रुपया का हाँ आता था, बिल्कुल वो नहीं पता है, बिल्कुल, हाँ वो जो जो सिल्वर टाइप का केस में लगा करते थे। लगाते। हाँ, तो उसके बारे में ऐसा था, पता नहीं होता है नहीं होता है, मेरे को नहीं पता है। उसके बारे में बोला था, तो उसको अगर मुंह पे लगा लेने से ना कलर लगाने से कलर नहीं चढ़ता है मुंह पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, घर में लेके आया था, मैंने पूरा मुंह पे लगा लिया उसको, ठीक है। तो फिर मम्मी बोलती है, क्या तुमको कोई रंग क्यों लगाएगा, तुम तो अपने से रंग लगाए। तो मम्मी को पता था, मम्मी ऐसा रंग इसको लगा देने रंग नहीं चढ़ता है। लेकिन उसके बाद जब शाम में हम घर वापस आए थे ना, तो हम अपने चेहरा को पहचान नहीं पा रहे थे कि भाई हम ही हैं। मेरा मतलब 5 रुपया उस टाइम पे मेरे को लगता है 5 रुपया बहुत था, मैटर करता था, अभी नहीं कर रहा है वो चीज, लेकिन पहले कर रहा था वो चीज। मैंने लगा 5 रुपया बर्बाद हो गया भाई, मेरे पूरा चेहरा पे कलर आ गया था मेरे। मैंने बोला कि यार क्या मतलब, वही है अरे और होता क्या। है। मैं घर आ गई हूं इसलिए वापस जाने के बाद। ओके कहा अभी आप फॉरबिसन में हो, आप लोग मिले कि नहीं। दीदी को बोला था मैंने, दीदी आप मतलब मेरे को कॉलेज करना है, दीदी ने बोला टाइम नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। दीदी आप सुन कहा रही हैं? फॉरबिसन में ही है ना, फिर तो जा करके मिलो आराम से यार, सीखो दीदी इससे। टाइम मिलेगा तो, हाँ दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दीदी टाइम ही नहीं दीदी के पास में, हम क्या करें। अरे घर चले जाओ ना, दीदी से क्या टाइम पूछना, परमिशन क्या लेना, सीधे घर जाओ। नहीं तो पता चला ना दीदी घर में है ही नहीं, फिर वही तो प्रॉब्लम है ना फिर। नहीं आप परमिशन तो इतना बड़ा है नहीं, आएगी भी तो कहां भी जाएंगे। मैं फॉरेस्ट में रहता इतना मारूंगी कि पानी ढूंढना मुश्किल हो। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, भाई बहन का मामला है आप लोगों का। आप तो बोल रही है, मेरे को ना बोल रही है। अच्छा अच्छा रोम साहब हम अगर अभी आप हम डिस्प्रेशन फॉरेस्ट में, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप फॉरबिसन से आई हो ना तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप बेटीटाल का प्लान करो। ओके अभी वेदर भी बहुत बढ़िया है, पता नहीं फिर आप उसके बाद महाराष्ट्र चले जाओगे तो आई डोंट नो कब आओगे। फिर वही लोनावला और खंडावला जाना पड़ेगा। अरे ये प्रत्येक ये तेरे लिए, वैसे भी हम लोनावला बहुत कोई खूबसूरत। नहीं है, अभी हम डिस्प्रेशन में, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम डिस्प्रेशन में हम कुछ बोलेंगे नहीं करेंगे। नहीं दीदी लोनावला भी बहुत दीदी खूबसूरत लेकिन आप जगह है। कोई नहीं आते, भैया आपको नई चीज क्या के लिए क्या अप्रिशिएट करना है। आप ना जो महाशिवरात्रि के दिन जो आप कर रहे थे ना, मैंने देखा था, मैं जा तो नहीं पाया था क्योंकि मैं और कहीं पे चला गया था, बट आप जो कर रहे थे ना, देट वॉज ऑसम, और उसके लिए सडनली सैल्यूट, सैल्यूट फॉर यू। मतलब हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, आप वो चीज कर रहे हो, तो मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है। नहीं अच्छा नहीं लगता, आगे आकर के तुम लोग वो कंटिन्यू करो, जैसे मैं इधर आ गया अब तुम लोग उसको स्टार्ट करो, उस चेन को ब्रोक नहीं, ब्रेक नहीं होना, वो एवरी होगा। वो तो है लेकिन ना मतलब, हाँ कोशिश करेंगे पक्का। कोशिश कर। हाँ देखो हमने वहां पे एक कैंपेन और स्टार्ट किया था अपने से अपनों के लिए,
और उसका 2-3 कैंपेन हम एक मैं अधूरा छोड़ करके आया हूँ, मैं नेकी की दीवार का फॉरेस्ट में, मैं नेकी की दीवार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट धर्मशाला वाला लोकेशन वगैरह देख लिया था, लेकिन फिर मैं इस प्रोजेक्ट में मुझे इधर आना पड़ा तो वो अधूरा रह गया। तो उसको तुम लोग पूरा कर सकते हो। अभी जैसे रोमसा मैम भी ऑलरेडी वहां पे है, तुम लोग मिलो, कुछ ज्यादा करना नहीं है यार, थोड़ा सा तुम्हें एक बड़ा सा पोस्टर छपवाना है नेकी की दीवार। ऑलरेडी मैं बात वगैरह कर चुका हूँ एबीपी वाले जितने भी हायर सोशलिस्ट है, वो लोकेशन दे देते हैं। पता है एक बार स्टार्ट हो जाए ना तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेकी की दीवार जानते हो ना क्या होता है? देखा था मैंने आपका, वो जो गरीबों को कपड़ा बांटने वाला था वही ना। बेसिकली नेकी की दीवार में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वहां पे छोड़ दो, और जिसके जिसको जरूरत है वो कपड़ा वहां से उठा लेगा। तो हर वो किसी के घर में अच्छा बहुत, तो ये सबके घर अभी में आप होता है। ये अभी बता, जैसे देखो और मिलो कल तुम मुझसे, ये जैसे रोमसा मैम बुला रही है अभी ऑलरेडी है, इनका कुछ एडवांटेज उठाओ। ये वैसे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है प्रोफेशन की, इनके साथ में हाँ मिल वो तो करके है। ये नेकी की दीवार स्टार्ट करा दो, बहुत बढ़िया सा सोशल काम हो जाएगा, एक सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया सा मैसेज भी जाएगा। और जो कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर पॉसिबल हो तो होली से पहले करो। ठीक है, फिर कल ही देखता हूँ मैं मतलब प्रतीक्षा भाई, हो पाएगा, मतलब मैं मैंने कोशिश मैंने होमवर्क संभाल करूंगा। लिया। ये स्टार्ट करो प्रतीक, हो सका तो मैं 1 मार्च को आऊंगा, बिल्कुल नहीं तो अपन आपने साथ बोल, में हाँ ये करो। ठीक है, फिर देखते हैं। देखते क्या मतलब, चलो कल करना क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आया मतलब किससे मैं बता, कांटेक्ट करूँ मैं बेसिकली कुछ पहले। नहीं, नहीं मैं ऑलरेडी कॉन्टेक्ट वगैरह कर रहा हूँ आदित्य ब्रो, वो मैं सबको बता। बेसिकली उसमें क्या करना है, अभी 200-300 रुपये का एक होर्डिंग लगेगा नेकी की दीवार, मैं मटेरियल भेज दूंगा, उसको जस्ट प्रिंट कराना है। लोकेशन का भी ऑलरेडी बात अच्छा करा, लोकेशन का ऑलरेडी बात करा हुआ, जो धर्मशाला है ना जहाँ मंदिर के मंदिर बगल के वाला पास, हाँ तो वहां पे ऑलरेडी है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो कन्वीनियंट होगा, जो भी मंदिर आएंगे तो कुछ कपड़े लेकर आएंगे वहां पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए जो जिनका धर्मशाला में, उनसे भी बात कर चुका था, वहां पे बस होर्डिंग लगा देना है और एक दो कपड़ा ला के रख देना है, बस एक कड़ी शुरू कर देना है, उसके बाद तो खुद ब खुद वो चलते रहेगा। अच्छा आइडिया है, लेकिन ये ठीक है, कल मतलब मैं आपसे मतलब मैं आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर तो हमारा है ना, आप मेरे को भेज देना, मैं प्रिंट आउट करवा लूंगा उसको। चलो मैं करता हूँ। ओके चलो बाय, गुड नाइट प्रतीक। चलो भैया ठीक है, नाइस नाइस टू मीट यू, सॉरी सेम नाइस टू सेम टॉक विथ यू। सेम।